यह वक्त मुसलमानों के साथ डटकर खड़े होने का है। इस वक्त आप बहाने बना रहे हैं, मतलब आप संघियों के साथ हैं। आपने हमेशा बहाना बनाया है, तब भी जब पिछले 8 साल में 40 से ज्यादा कश्मीरी नागरिकों की मौत फौज की शॉटगन पैलेट्स गन जहरीले गैस से हुई। मरने वालों में नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। आपने बच्चे का 1000 छेद से भरा शरीर देखा, पर आपका दिल नहीं पसीजा, क्योंकि मरने वाला कोई शर्मा सिंह अग्रवाल वगैरह नहीं था। बुरा लग रहा है ना? लगने दो, यही सच्चाई है। मॉब लिंचिंग में भी नाबालिग से लेकर 70 साल के बूढ़े की मौत हो गई। आपने विरोध नहीं किया, उल्टे इस सरकार को फिर से सत्ता में लाया। दंगों में सैकड़ों मुसलमान मारे गए, उन्हीं के बच्चे जेल गए। यूएपीए में कई साल से जेल में सड़ाए जा रहे हैं। आप मुसलमानों को शांति का रास्ता दिखाते जरूर है, पर ये शांति का रास्ता तब क्यों नहीं दिखाते? आपके कौम के लोग उन लोगों को बुरी तरह मारकर उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं। खून से सने मुसलमानों के जिस्म देखकर आपके आंसू क्यों नहीं गिरते? क्या सफेद टोपी देखकर आपकी आंखें आंसू निकालने से इनकार कर देती है? कोई पत्थर उछालता है तो आप क्या करते हैं? धड़ाधड़ गोलियां? ये नहीं देखते कि कोई बच्चा हो सकता है जिसके सीने में ये गोली धस जाए, जिसके सिर से ये गोली आर पार निकल जाए? आप कब उनके घर गए थे बात करने? आपने कब उनको बुलाया? आपने साथ बैठकर खाना खाने? आप कब उनको न्याय मांगे तब दिए? आपने कब कहा कि ये हमारे हैं? आपको देशभक्ति का सबूत कोई मांगे तो हमें बताइए। आपने ये सब नहीं किया, आपने उनका घर गिराया बुलडोजर से, अदालत के फैसले से पहले। आप मुस्लिमों के खिलाफ फॉरवर्ड हो रहे करोड़ों नफरती व्हाट्सएप देखकर चुप रहते हैं, या आप अपने नजदीकी लोगों को ये फॉरवर्ड कर कहते हैं ये नहीं सुधरेंगे? बुलडोजर बाबा सही कर रहे हैं। नफरती महिला की गिरफ्तारी को लेकर भी आप अगर मगर कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया में कितना भी डींगे मार ले, सच तो यही है, लाशें किसी के घर की गिर रही है, वह मुस्लिम के घर है, उनके बच्चे ही मारे जा रहे हैं। अगर उनके मन में सत्ता को लेकर गुस्सा है तो आप उनके घर गुलाब का फूल लेकर जाइए, बोलिए भाई हमारा जिस्म दो है पर जान एक, हम इस सरकार के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं, आपको गोली चलेगी तो सीना हमारा होगा।